हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एमओ क्लासेस आज हम एथ क्लास मैथ एनसीआर के चैप्टर नंबर इलेवन की एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट टू का सिक्स क्वेश्चन करेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है सिक्स क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द एरिया अ रोमबस हुज साइड इज फाइव सेंटीमीटर एंड हुई सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगनल इज एट सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड दायगनल तो ध्यान से समझिए जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है सबसे पहले तो हमें कहा गया कि एक फाइंड आउट करना है एक रोमबस का रोमबस की चारों साइड क्या होती है स्टूडेंट इक्वल होती है ये याद रखियेगा हु साइड इज फाइव सेंटीमीटर यानी एबी बी सी सी डी और डी डी ए ये चारों साइड क्या होंगी फाइव सेंटीमीटर की होंगी एंड एंडट्यूड एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड होता है हाइट यहां ध्यान से देखिए अगर ये रोमबस है तो ये हाइट है ये इस वर्टेक्स से आई किस आई किसके ऊपर ए बी के ऊपर ये आपको परपेंडिकुलर का साइन नजर आ रहा है 90 डिग्री का एल्टीट्यूड यानी हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है तो डीई यहां पर क्या है हाइट है यानी एल्टीट्यूड है और ये हमें कितनी देर रखी है 4.8 सेंटीमीटर तो डीई की मेजरमेंट हमारे पास है स्टूडेंट्स 4.8 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायग्न देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ पर खत्म हो गया कि हमें ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि एरिया कितना है रोमबस का और गिवन क्या है कि हमें साइड दे रखी है और एल्टीट्यूड दे रखा है तो उसके बाद एक और पार्ट इसमें है इफ वन ऑफ इट्स डायगनल इज एट सेंटीमीटर देखिये यहां दो डायग्नल है बी डी और एसी इसमें से एक डायगनल आपको एट सेंटीमीटर दिया है मान लेते हैं कि बीडी आपको एट सेंटीमीटर दिया हुआ फाइंड देंथ ऑफ दी अदर डायगनल आपको इस दूसरे डायग्नल यानी एसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड स्टूडेंट एक बार हमें इस एबीसीडी रोम्बस का क्या निकालना है एरिया निकालना है और फिर हमें इसका एक डायगनल निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे देखिए लेट एबीसीडी बी ऑफ साइड फाइव सेंटीमीटर हमने माना सी एबीसीडी एक रोमबस है पांच सेंटीमीटर इसकी चारों साइड एल्टीट्यूड यानी के डी कितना है फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर ये गिवन है हमें डायगनर देखिये बीडी डायगनर हमने यहां पर दो डायगनर हमें देखिए हमने कहा कि बी डी कितना है एट सेंटीमीटर हम किसी भी एक डायगनर को यहां पर एट सेंटीमीटर मान सकते थे हमने बी डी को मान लिया क्योंकि एक डायगनर गिवन है दूसरा निकालना है उसके बाद डायगनर ऐसी हमें नहीं पता है अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलेगा यहां ध्यान से देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का जो मेन फॉर्मूला हमने बेसिक्स में पढ़ा था स्टूडेंट्स वो था कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू लेकिन वो हम यहां पर नहीं लगा सकते अभी क्योंकि हमारे पास एक डायगनल की मेजरमेंट तो है ही नहीं तो यहां पर हम रोम्बस की ही दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं देखिये इसी डायग्राम को मैंने यहां पर दोबारा आपके लिए बनाया है कि ए बी सी डी रोम्बस है और इसके बीच में एक डायगनल आ गया बी डी जब भी आप रोम्बस में एक डायगनल बनाते हैं स्टूडेंट्स तो वो उस रोम्बस को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है यानी इस ट्रायंगल का एरिया भी रोम्बस का हाफ है और इस ट्रायंगल का एरिया भी रोम्बस का हाफ है हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि रोम्बस का एरिया इस ट्रायंगल का भी डबल है और इस ट्रायंगल का भी डबल है अब इसी प्रॉपर्टी को हम यहां पर यूज करेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी टू डबल ऑफ टू इंटू मतलब डबल ऑफ किसका एरिया किसका डबल है एरिया ऑफ एबीडी एबीडी यहां पर देखिए ये एबीडी ट्राइंगल है इसी को हमने सेपरेट करके भी यहां दिखाया हुआ है यानी के पूरे रोम्बस का एरिया एबीडी इस वाले ट्राइंगल के एरिया का डबल है और एबीडी का एरिया हम यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो वैल्यूज हमारे पास गिवन है देखिए ये टू एज इट इज इंटू एरिया ऑफ एबीडी किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल देंगे हाफ इंटू बेस देखिये ये अगर एल्टीट्यूड है तो ये एबी बेस है तो एबी बेस की जगह आ गया इन टू हाइट हाइट क्या है यहां पर डी एल्टीट्यूड ही हाइट होती है तो डीई हमारे लिए यहां हाइट है इन टू हाइट यानी डीई टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा ए बी की जगह देखिए ए बी क्या है रोमबस की साइड और वो हमें कितने थी सेंटीमीटर तो ए बी की जगह हमने क्या लिखा फाइव इंटू डी डी यानी के हाइट वो हमें कितने थी एल्टीट्यूड फोर पॉइंट एट एबी इंटू डी की जगह उनकी वैल्यू रखी इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको आंसर मिलेगा एरिया ऑफ रोमबस का ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर हम आपको ये भी बता देते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे आया जब आप 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए को 4, 4. से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल को आप इग्नोर कर दिया कीजिए फोर्टी एट को फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए फाइव एट 40, जीरो आया फोर कैरी फाइव फोर 20, ट्वेंटी और फोर ट्वेंटी फोर जो भी आपका आंसर आ गया अब आप चेक कीजिए कितने डिजिट के बाद यहां डेसिमल था एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहां भी आंसर में एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो आपको यहां आंसर मिलेगा एरिया ऑफ कॉम्बर्स का ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर अब स्टूडेंट्स हमें इसका दूसरा डायगनर भी फाइंड आउट करना है तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का जो मेन फॉर्मूला हमने बेसिक्स में पढ़ा था वो था वन अपॉइंट टू इंटू डागनर वन इंटू डागनर टू अब हम इसको यूज करेंगे और दूसरा डायगनर फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डागनर वन अब देखिए डागनर वन यहां पर हमने किसको लिया ए को और डागनर टू बी को लिया आप एसी को डैगनर टू या बीडी को डागनर वन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं तो डायगनल वन की जगह एसी और डायगनल टू की जगह बीडी अब एरिया ऑफ रोम्बस अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था तो यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस की जगह क्या आ गया यहाँ से आप ये वैल्यू उठा लीजिए ट्वेंटी इज इक्वल टू ये हाफ एज इट इज इन टू एसी तो हमें निकालना है इन टू एट एक, एक डायगनल हमें दिया हुआ था वो डायगनल क्या था एट सेंटीमीटर तो बी डी की जगह हमने क्या रखा एट अब देखिए एट को टू से डिवाइड कीजिए टू फोर द्वेंटी फोर एज इट इज ए को वन से मल्टीप्लाई किया एसी इन टू फोर हमें तो एसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये फोर इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा ट्वेंटी फोर को फोर से डिवाइड करेंगे 4 से तो 4, 6 24. तो सी की वैल्यू क्या आ गई सिक्स सेंटीमीटर यानी डायगेल की जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो स्टूडेंट्स आ गई है सिक्स सेंटीमीटर और जो एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड आउट करना था वो आ गया ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू